हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ हरिओम मोटर्स, जहाँ पे आपको यूज्ड कार का स्टॉक मिलेगा। आज के वीडियो में आपको 7, 8 और 9 सीटर तीनों भी तरीके का स्टॉक बताने वाला हूँ। महिंद्रा, टाटा, मारुति और टोयोटा, ऐसे सब ब्रांड्स के कार हैं। सो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो, ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर पाए। और मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, इंडियन यूज्ड कार के नाम से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। तो गाइस चले देखते हैं यूज्ड कार का कलेक्शन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इंडियन यूज्ड कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। कैसे भी करके मुझे वो चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं ये महीने के एंड तक, और आपके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। सो याद से जाके वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दिस वन इज़ मारुति एरटिगा, टी परमिट कार है ये, 2017 का मॉडल, सिंगल ओनर डीजल, 1 लाख किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, और प्राइस कोट करे 6,50,000। ये वीडियो में मैं आपको जितने भी कार्स बताने वाला हूँ सभी कार्स के प्राइस निगोशिएबल है। वन इज़ महिंद्रा बोलेरो, 2014 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर डीजल, 70,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, और प्राइस कोट करे 5,25,000। एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वीडियो में, इसके पहले भी मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को कि कमेंट सेक्शन में आपका नंबर कमेंट करके मत दिया करो, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताएंगे वो कि उनके पास कम बजट की कार अवेलेबल है और आपसे एक छोटा सा टोकन अमाउंट लेने की कोशिश करेंगे। सो हमेशा एक चीज़ याद रखना, चाहे आप मेरी वीडियो देखते हो या कोई और भी यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीलर का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन होता है, तो आप डायरेक्टली डीलरशिप को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट मत किया करो, डायरेक्टली आप डीलरशिप को कॉन्टैक्ट किया करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है। दिस वन इज़ XEV 500, 2012 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर डीजल, 1,60,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, और प्राइस कोट करे 5,75,000। अगर आपको कमेंट करना ही है तो आप अच्छे अच्छे भी कमेंट कर सकते हो, या अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो पसंद नहीं तो भी आप कमेंट कर सकते हो। हाँ, बट एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, प्राइस के रिगार्डिंग मेरे हाथ में नहीं होता है, जो डीलरशिप बोलेगा वही मुझे प्राइस अपडेट करना होता है। मैं मेरे हिसाब से अगर वो गाड़ी का 5 लाख बोलता है तो मैं 4 लाख तो नहीं बोल सकता ना, तो गलत रहेगा वो। हाँ, अगर आपको कोई कैमरे का एंगल पसंद नहीं आता है, या सपोज़ अगर आपको कुछ और गाड़ी के बारे में डिटेल चाहिए, तो वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। दिस वन इज़ मारुति एरटिगा, 2014 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर पेट्रोल प्लस CNG, 1,20,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का, और प्राइस कोट करे 6,25,000।
दिस वन इज़ महिंद्रा स्कॉर्पियो 2015 का मॉडल है ये, सिंगल ओनर डीजल, 1 लाख किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस को उठ करे 6,80,000। दिस वन इज टोयोटा इनोवा 2008 का मॉडल है ये, सेकेंड ओनर डीजल, 1 लाख किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 4,75,000। दिस वन इज स्कॉर्पियो 2008 का मॉडल है ये, थर्ड ओनर डीजल, 1,25,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस कोट करे 2,25,000। वन इज टाटा सफारी 2012 का मॉडल है ये, डीजल, 99,000 किलोमीटर रनिंग हुआ ये कार का और प्राइस को उठ करे 2,50,000। अगर हम अभी सफारी की बात ही कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, करंटली टाटा ने न्यू सफारी लॉन्च किया है, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो गूगल में आप सर्च कर सकते हो टाटा सफारी, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी। आई थिंक सो अभी तक प्राइस एंड ऑल रिवील नहीं किया है उसने, बट अगर लुक वाइज बात करूँगा मैं तो सीरियसली बहुत सारे ब्रांड्स की लगने वाली है, सॉरी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा, बट कसम से यार मतलब एक नंबर लुक है, हैरियर का आई थिंक सो लुक दिया हुआ है उसको, और जैसे हैरियर 5 सीटर है तो ये गाड़ी उन्होंने 7 सीटर बनाई है, सफारी है नाम उनका, सफारी रखा है उसने। तो गाइज यही था आज के वीडियो के बारे में, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।